नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। तो आज की इस वाली वीडियो में अपन डलाने जा रहे हैं अपनी सफारी टाइकोर में नए टायर्स। तो एक्चुअली क्या है कि अब ये हो गए टायर ख़त्म, जो मैंने मतलब लगाए थे जेके के, ये हो गए ख़त्म। और ये जो टायर पहले फट चुका था एक बार, तो इसलिए ये कोई अपोलो का ही लग रहा है, एपटेरा HT2। तो आज की इस वाली वीडियो में यही है, यही टायर डलेगा, अपोलो एपटेरा 82। और जो टायर साइज़ डलने वाली है जो कि है 245/70R16। हालांकि अभी जो लग रहे हैं, जो इसमें लग रहे हैं 235/70R16 लग रहे हैं, और जो अब लगेंगे जो कि 10 mm चौड़े होंगे। जो ये वाली प्रोफाइल होती है ना, ये प्रोफाइल इसकी 10 mm चौड़ी होने वाली है। यही क्यों लगवा रहा हूँ, क्योंकि भाई इस जो सफारी टाइकोर है उसमें यूट्यूब पर काफ़ी कम वीडियो है इसके रिलेटेड। मैंने काफ़ी सर्च भी किया, तो मुझे कोई जेन्युइन अच्छा वीडियो नहीं मिला जिसमें पूरी इसी गाड़ी में यही टायर डला हो। तो आज की इस वाली वीडियो में यही टायर अपन डलवाएंगे। इसमें एक बार मैं आपको सारे टायर की कंडीशंस दिखा देता हूँ। ये देख लो भाई, ख़त्म हो चुके हैं, और आगे वाला भी देख लो। ये कोई ब्रिजस्टोन का ड्यूलर लगा हुआ है, हाईवे टेरेन, मतलब आप समझ लो चारों टायर पीछे के दो सेम लग रहे हैं, बाकी आगे के दोनों अलग लग रहे हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में चारों ओपन चेंज कराने वाले हैं, और चलते हैं भाई चेंज कराते हैं, क्या इसका बजट बैठता है वो सब बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो एंड तक देखना, चलो भाई। जस्ट पहुँचने ही वाले हैं। तो एक्चुअली क्या है कि छोटा टाउन है अपना, तो जो टायर थे मैंने ऑर्डर किए थे, तो आज आ जाने चाहिए और आ गए होंगे मेरे हिसाब से। पहुंच भी गए हैं, टायर उतार भी दिया है, और ये वाला अपना स्टेपनी वाला, और ये है अपने चारों के चारों नए टायर। और साइज़ आपको बता देता हूं मैं इसका, 245/70R16 लग रहे हैं, और M प्लस S मीन्स मड प्लस नो। एंड इसमें इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट बता रहा है 4723 का मतलब हो गया ये, मतलब 12वें महीने में बना है ये, और 23 का मतलब है 2023, और अभी चल रहा है 2024 फरवरी। तो ठीक है, लेटेस्ट ही है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लगवाते हैं, फिट करवाते हैं, और फिर बताता हूँ आपको क्या कॉस्टिंग पड़ती है अपनी गाड़ी में, और फिटमेंट वगैरह भी कैसी रहती है। सबसे बढ़िया चीज़ है इसकी जो कि है इसकी गुड्डी, और मतलब बहुत अच्छी लगी इसलिए। और ये जो थ्रेड पैटर्न है ना, इससे एक्चुअली क्या होता है, कंकर वगैरह भी नहीं फंसते, कंपनी का ऐसा कहना है। अपन तो अब इसको माइंस वगैरह पे चलाएंगे तो पता चलेगा क्या इसका हिसाब किताब है। दिखने में तो अच्छे ही लग रहे हैं, और वारंटी गारंटी का भी पता कर लेते हैं इसका क्या है, और हिसाब किताब तो मैं आपको बता ही दूँगा इसका। देख लो भाई कितने गंजे गंजे से लग रहे हैं टायर्स। टायर तो इसके लग गए हैं, और चारों जो टायर मुझे पड़े हैं, जो कि पड़े हैं इतने के 30,000 के पड़े हैं मुझे चारों पेयर, और ये इसका GST वगैरह जो भी था ये इन्होंने लगाया है, और जो कि मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट भी इन्होंने इसमें करके दिया है इसमें, तो जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। और टायर भी अच्छे ही दिख रहे हैं, और 70,000-80,000 किलोमीटर चल जाए ताकि बढ़िया ही है,